हजरात जी में यह अवसर लोगों को नहीं दिया गया है। अब मुझे पहुंचने में देर हो गई, अब 10 बज गए हैं, मेरी आत्मा कहती है। नमस्कार, वीके न्यूज में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं गरिमा श्रीवास्तव आपके साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर गुजरात में थे, जहां अंबाजी में वो अलग अलग प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास करने आए थे, जिसके बाद उन्हें सीमा से सटे राजस्थान के सिरोही जाना था। शुक्रवार को पीएम नरेंद्र मोदी की रैली थी, पर पीएम मोदी समय पर नहीं पहुंच पाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने समय के पाबंद होने के नाते भी विश्वविख्यात है। सिरोही के आबू रोड इलाके में रैली को पीएम ने थोड़ी ही देर संबोधित किया। हालांकि जब पीएम पहुंचे उस वक्त भी उन्हें सुनने वालों का तांता लगा हुआ था। वो कार्यक्रम स्थल पर देर से पहुंचने पर बोले कि उन्हें लाउडस्पीकर के रूल्स और रेगुलेशंस का पालन करना ही होगा। उन्होंने सभा को अच्छे से संबोधित नहीं कर पाने के लिए माफी मांगी और वादा किया कि वो फिर से सिरोही आएंगे। मोदी ने बिना माइक के ही बोलना शुरू कर दिया। पीएम ने अपने संबोधन में क्या कहा और वो बिना माइक के क्या बोल रहे थे, आइए उन्हीं से सुनते हैं। नवरात्रि जी में यह अवसर लोगों को नहीं दिया गया है, अब मुझे पहुंचने में देर हो गई, अब 10 बज गए हैं, तो मेरी आत्मा कहती है कि मुझे कानून नियम का पालन करना चाहिए और इसलिए मैं आप सबकी क्षमा मांगता हूं, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं दोबारा यहां फिर से आऊंगा और आपका ये जो प्यार है उसे मैं ब्याज समेत चुकता करूंगा। भारत माता की जय हो। भारत माता की जय हो। ये कहकर पीएम मोदी खुद जनता के सामने भरे स्टेज पर हाथ जोड़कर नतमस्तक हो गए। देश की शीर्ष कुर्सी पर बैठने वाले पीएम, जिनके इशारे पर ही नियम लागू किए जाते हैं, और उसी पीएम मोदी ने रात 10 बजे के बाद माइक संबोधित नहीं करके नियमों का पालन किया। ऐसा करके प्रधानमंत्री मोदी ने संदेश दिया कि नियम कानून के ऊपर कोई नहीं है, वो खुद प्रधानमंत्री होकर इन नियमों को नहीं तोड़ते हैं। पीएम के ऐसा करने से इस पूरे देश को जरूर प्रेरणा मिल रही होगी कि नियम और कानून पालन करने के लिए ही बनाए जाते हैं, उन्हें तोड़ा ना जाए तो बेहतर। इस खबर पर आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।